अभी केवल एक चरण पूरा हुआ है। सहस्त्र रावण जैसी शक्ति को निर्माण करने के लिए अभी और समय चाहिए। मेरे वीर असुर योद्धाओं, ये युद्ध कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, अपितु ये असुरों के अस्तित्व और असुर संस्कृति की रक्षा का युद्ध है। ये युद्ध न केवल मेरा युद्ध है, अपितु ये युद्ध आप सबका है। मेरे ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, उनके वर्चस्व और उनके अस्तित्व की रक्षा करने का युद्ध है। और इसीलिए यह युद्ध साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से जीतना ही होगा, अन्यथा असुर साम्राज्य का अंत होगा, लंका का नाम सदैव के लिए मिट जाएगा। रावण के अस्त्र शस्त्र संसार में अद्वितीय है, उसका कवच अग्नि का बना हुआ है, उसके वज्र समान बाण की काट संसार में किसी के पास नहीं। एक बार युद्ध भूमि में आने दो, अस्त्र शस्त्र उठाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है अपने युद्ध कौशल और पराक्रम को सिद्ध करने का। अब समय आ गया है अपने अभिमान और गौरव की रक्षा करने का। आज कोई जीवित रहे या ना रहे, किंतु विजय पताका लंका के दुर्ग में ही लहरानी चाहिए। लंकापति रावण की जय! लंकापति रावण की जय! लंकापति रावण की जय! हमें युद्ध में शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक योद्धा का सामर्थ्य युद्ध भूमि में ही स्पष्ट होता है। और कल हमारा युद्ध उस रावण से, जो एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक महान विद्वान और ज्ञानी भी है। हमें रावण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान, विद्वता और पराक्रम का संयोग एक ही व्यक्ति में होना इस संसार में अत्यंत दुर्लभ। प्रभु श्री राम, उस पापी और अधर्मी रावण का सम्मान? हां वानरराज, ये पाप और अधर्म रावण के कर्म, इसका दंड हम उसे युद्ध में अवश्य देंगे, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि अपनी उपासना और आराधना से रावण ने जो ज्ञान और विद्वता अर्जित की है उसका हम सम्मान न करें। नल, नील, कलयुद्ध में मित्र विभीषण की सुरक्षा का दायित्व तुम दोनों का है। मेरी सुरक्षा? मैं युद्ध भूमि में किसी के साथ युद्ध भी नहीं करता, मुझे सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रभु मित्र, हमने आपको लंका का अधिपति घोषित किया है। तो युद्ध समाप्त होने तक आपकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। विजय आरती से अधिक आवश्यक है। आरती करने वाले के मन में योद्धा के प्रति विश्वास कि वो युद्ध में विजयी होकर लौट आए, और जहां विश्वास न हो वहां आरती भी अर्थहीन है। जय लंका!
के विनाश के लिए साक्षात विष्णु को धरती पर मनुष्य लीला करनी पड़ी। लंकेश, तुमने इस नर अवतारी विष्णु को वन वन भटकने और कष्ट सहने के लिए अभिशप्त कर दिया है। इस विष्णु अवतारी राम की पत्नी का तुमने हरण कर लिया, किंतु ये अभी तक कुछ नहीं कर पाया और आज दीनहीन अवस्था में इन वानरों की सेना लेकर तुम्हारे सम्मुख युद्ध भूमि में खड़ा है। तुम निश्चय ही महान हो रावण। तुम्हारी महानता के सम्मुख आज सभी देवों ने अपने शीश झुका लिए हैं। वनवासी राम, आज युद्ध सूर्यास्त तक नहीं होने दूंगा। तुम्हें अपनी रक्षा का कोई अवसर नहीं मिलेगा। आज सूर्य तुम्हारे साथ संपूर्ण वानर सेना का रक्तपात देखकर ही अस्ताचल हो जाएगा। तो रघुनंदन के धनुष की प्रत्यंचा की तंकार है। इसका तात्पर्य यह है कि आज राम और रावण का महान धर्म युद्ध आरंभ हो गया।